आरजेडी नेता मनोज झा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मुझे लग रहा है कि खट्टर साहब को आराम की थोड़ी तौर पे जरूरत है, बहुत मेहनत कर रहे हैं किसानों के खिलाफ, तो थोड़ा आराम करें और एक बार चिंतन करें गंभीरतापूर्वक। उनके एसडीएम का बयान हमने देखा और उसके बाद जब डीएम साहब लीपापोती के लिए आए तो वो भी बयान देखा। आजाद हिंदुस्तान में अभी हम जालियांवाला बाग को याद करते हैं, ये हमारा अपना जालियांवाला यह बाग है जहां हमारे लोगों पर इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। रही बात पंजाब सीएम के अंदर, उनके अंदर संवेदनाएं हैं, कम से कम किसानों के साथ खड़े हैं। आप किसके साथ खड़े हैं ये पूरी दुनिया जानती है खट्टर साहब, थोड़ा एक बार चिंतन कर, उसके लिए आवश्यकता है कि आप आराम करके चिंतन करें। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इनको खुद हिस्ट्री के ज्ञान की जरूरत है। उस चेयर पे बैठे हुए हैं और बिना हिस्ट्री के ज्ञान के क्या कर लोगे आप इतिहास की धारा मोड़ के रख देंगे स्वाधीनता आंदोलन की, आप ये खत्म कर देंगे कि 10 बरस वो आदमी जेल में रहा जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू है और बापू क्या कहते थे, हिंद का जवाहर। कहां तक मिटाओगे, कहां ले जा रहे हैं आप।